दूर है स्कूल तो बिटिया नहीं पढ़ पाती है। अब यही अब बड़ी बिटिया हो गई, मैंने कहाँ भेजे इनका पढ़ाई का। अभी यहाँ प्राइमरी है कि स्कूल ही, और स्कूल ही नहीं आए। इतनी दूर पड़ता है, पहले बात तो जंगल बहुत है, तो आदमी आने लगते हैं वो छेड़ते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं। ना इसकी दिक्कत, मम्मी पापा हल्दी भेजते नहीं है। जिला प्रयागराज है, ब्लॉक शंकरगढ़ है, गाँव प्रतापपुर है। यहाँ 1970 से इंटर कॉलेज का मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का यहाँ इंटर कॉलेज नहीं बना है। तो यहाँ के बच्चियों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है, इस कारण से यहाँ की बच्चियाँ अनपढ़ रह जाती हैं। 5-8 पढ़ लेती हैं, इसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। इस तरह की यहाँ स्थितियाँ बनी हुई है। साइकिल से जाते हैं, अकेले तो पढ़ जाते हैं, इतनी दूर पड़ता है, पहले बात जंगल बहुत है, नहीं पढ़ने। अब आदमी आने लगते हैं वो छेड़ते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं। ना इसकी दिक्कत, मम्मी पापा हल्दी भेजते नहीं हैं, और लगे स्कूल होती तो चले जाते, अब बहुत दूर पर जाती है, 10 किलोमीटर तक है। कभी कभी पेपर होता है तभी जाते हैं, नहीं जा पाते। हाँ, इसलिए बहुत प्रभाव पड़ता है, पढ़ लेते तो कुछ बन जाते, और पढ़ ही नहीं पाते तो क्या बने, इसलिए नहीं जा पाते। अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं घर पे, यहाँ बन जाता तो ठीक रहता। 8 क्लास तक के पढ़ी हूँ। आगे क्यों नहीं पढ़े हो? आगे समस्या है, ना गाड़ी बनती है, ना साइकिल, ना भाई है, ना पिता है, किससे पढ़े, कोई ले जाने, स्कूल भी दूरी है यहाँ से, यहाँ तक के बनना चाहिए 12 तक के। क्या कर रहे हैं? पढ़े होते तो अपने लिए सुविधा रहता, कुछ भी आता या जाता, कुछ भी होता। आपके जैसे कितनी बच्चियां ऐसे मतलब आठ पढ़ के छोड़ दी? बहुत बच्चे हैं हमारे, पूरे गांव हैं, इतना बड़ा गांव है, पूरे गांव हमारे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है स्कूल जाने में? इतना लड़कियों को सबसे ज्यादा, लड़कियों को दिक्कत होती है स्कूल जाने में। माँ बाप डराते हैं, जब 10 साल के बाद लड़की हो जाती है तो माँ बाप डराने लगते हैं, इसीलिए नहीं भेजते बस। बहुत हो, पूरे गांव हमारे अनपढ़ हैं। यहाँ समस्या ये है कि यहाँ से लालापुर में इंटर कॉलेज है, यहाँ से डिस्टेंस है लगभग 9 से 10 किलोमीटर का, और बच्चियों को आने जाने में प्रॉब्लम ये है कि रास्ते में जंगल पड़ता है, और इसी कारण बच्ची नहीं पढ़ पा रही हैं यहाँ के। विद्यालय दूरी होने के कारण और रास्ता ऐसा है जंगल पड़ता है, इसलिए बच्चियों को आने जाने में प्रॉब्लम है। इस कारण यहाँ 5 तक विद्यालय है, 5 के बाद बड़ी समस्या होती है बच्चियों को पढ़ने में। अब नेता नगरी तो 5 साल में सब वोट मांगने आते हैं, अपना काम बना भी निकल लेते हैं। वादा तो सब करते हैं, वादा तो कितने नेता आए, सांसद जी रीता जी आई, उन्होंने वादा किया, अभी चुनाव हुआ, इसमें माननीय विधायक वाचस्पति जी आए, वो भी बोल के गए हैं, लेकिन 5 साल जब तक जरूरत थी तब तक, जरूरत खत्म, बात खत्म। इलाहाबाद का अंतिम डेट है ये, इस पे से चित्रकूट लगता है, अब इधर सब इलाहाबाद प्रयागराज, तो पढ़ुआ प्रतापपुर, पढ़ुआ भिलोर, सेमरी, लालापुर, लालयपुरमा स्कूल है, और नहीं 5 तक 8 तक यहाँ हुआ, यहाँ हुआ है, पढ़ुआ डेरवा प्रतापपुर में 5 तक है, ऐसे है, और तो स्कूल हुआ लालापुर में है 8 किलोमीटर। हाँ, ऐसे 250-300 से कम। माँ बाप यही खेती किसानी करते हैं, और कौनो काम नहीं है, यहाँ पेट पालना है, पेट पर्दा किसी तरह चलाना है बस, और कोई काम नहीं। बच्चों कोई पढ़ने नहीं पाते हैं तो उनकी क्या काम, उनको क्या मिले, क्या नौकरी मिले, बिन पढ़ाई के तो मिली ना। स्कूल की मांग तो यहाँ के लोग कई बार किए, कोई नहीं सुना, एक बार नहीं कई बार किए, जिससे कहते हैं वो कहते चलिए ठीक है हमारा काम कीजिए हम तुम्हारा करेंगे, और इनका काम हो गया तो दोबारा।
उस समय वादे यही करते कि हमारा जो है साथ दीजिए, हम आपके यहाँ स्कूल बनवाएंगे, आपके यहाँ क्षेत्र में विकास करेंगे, सड़क बनवाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे, लेकिन जब जीतते हैं तो कुछ नहीं करते। मैं अभी योजना बना रहा हूँ, योजना बन जाए तो बताऊं। अभी मैं वैसे आपकी जानकारी में है खूब अच्छी तरह जी, तो वैसे आपका क्या प्रयास रहेगा अपने तरफ से? पूरी तरह रहेगा, सरकार की तरफ से हो सकेगा तो उसमें जी आई सी वासी खुलवा दूंगा, सदन चले कुछ काम हो, अभी सदन चली नहीं तो अभी क्या बताऊं। उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार वर्तमान में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद ही विद्यालय की स्थापना की जा सकती है, या फिर ऑटोमेटिक जियो लोकेशन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा जो हमारे जूनियर हाई स्कूल हैं परिषद के, उसको अपग्रेड किया जाता है। और मेरी जानकारी में जनपद प्रयागराज में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो कि 7 से 10 किलोमीटर जो मानक है जहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए, तो उस के बीच जो है उससे अधिक दूरी पर बच्चों को जाना पड़े। या तो हमारा राजकीय विद्यालय होगा, या एडेड होगा, या तो सेल्फ फाइनेंस स्कूल होगा, लेकिन 7 से 10 किलोमीटर के बीच से अधिक दूरी पर बच्चों को जाने की आवश्यकता नहीं है। नियम ये है कि 5 से 7 किलोमीटर की दूरी के अंतराल में हाई स्कूल होना चाहिए और 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में इतने अधिक हमारे सेल्फ फाइनेंस स्कूल खुल गए हैं कि सेल्फ फाइनेंस स्कूल राजकीय और एडेड विद्यालय के बीच की दूरी पारस्परिक कहीं भी 10 किलोमीटर से अधिक नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।